गाइस जो अगले 8 मिनट ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बचपन की वीडियो है लेडी ऑली और बॉसी की। इसमें आप देख सकते हो लेडी ऑली कितनी छोटी और कितनी मिस्चीवियस है उस टाइम। तो अगर ऐसी और वीडियोस चाहिए तो कमेंट में लिख दो, पुरानी डालो। अगर पुरानी डालोगे तो हम डालेंगे। अंदर चल ले, चुपचाप समझे, चल अंदर। बब्जी बिल्कुल अग्री नहीं कर रहा है जाने के लिए। चलो बब्स, लिटरली बहुत ज्यादा ट्रबल फेस कर रहा है बब्जी को टेबल तक लेकर आने की, वो मान ही नहीं रहा है। अब्सटेन कर रहा है। बॉडी वेट करा लिया जान के बना के लाए, टेंशन मत लो। बब्जी से डरने की जरूरत नहीं है ना बब्बे, आईज भी नहीं दिख रहे, मास्क की मास्क दिख रहे हैं। बब्जी लोना गुड बॉय, गुड बॉय। आपके नेल्स कट कर दी, आप डांटोगे तो नहीं किसी को? हाँ, इसके ना टिक्स भी बहुत हो रहे हैं। मो मनीषा आते से एंटी टिक्स लगवा दो। डॉक्टर ने मैं बैठ के सुन शुरू कहां करूं क्या करूं? टिक की टैबलेट, टिक्स में दो ऑप्शन दिए आपने, एक तो टैबलेट का ऑप्शन, दूसरा स्पॉट ऑन का। और ये बब्जी का नेल देखो कैसे वो हो गया, जैसे कांचा चीला की बाली पहनी हुई। And guys, good news, पावो की कोई वो नहीं है संभावना, डॉक्टर इज सेइंग ही इज फुली वैक्सीनेटेड, पावो वायरस नहीं होना चाहिए, होगा भी तो इट इज टोटली नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट हिज हेल्थ, इट इज ओनली फूड पॉइजनिंग। और उसका रीजन ये है कि मम्मी ने, राहुल की मदर, मेरी मदर इन लॉ ने इसको कुंदन रेस्टोरेंट का रोस्टेड पतंगा चिकन जो थोड़ा सा बच गए थे 2 पीस ऐसे ही खिला दिए, और बस ये तो होना ही था, जिससे हमारे तोते छुड़ गए मसालेदार खाना खा के, तो इसका तो क्या ही होना था। तो डॉक्टर से इट्स अ क्लियर कट केस ऑफ फूड पॉइजनिंग एंड वी आर ग्लैड इट्स नॉट पावो वायरस। तो फूड पॉइजनिंग तो आई थिंक डॉक्टर साहब जो मेडिसिन देंगे ही विल बी क्योर, सो यस, बिग साई ऑफ रिलीफ। तो यहाँ के सारे स्टाफ ने बब्जी के नाखून काटने से और कान साफ करने से मना कर दिया। ये एक शेर बहादुर आया है जो कह रहे मैं काटूंगा बब्जी के नाखून। देख ना सर, स्किन ना आ जाए, वो पागल हो जाएगा। ये कुछ बड़ा नहीं था, वो तो बाली बनी हुई थी। तो बब्जी के लिए डॉक्टर साहब ने एक शैम्पू सजेस्ट किया है, क्योंकि उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा खुश्की हो रही है, और अभी तक हम उसे हिमालय का एंटी टिक्स शैम्पू दे रहे थे तो उसके काफ़ी प्रॉब्लम हो गई। तो डॉक्टर साहब ने अब उसको ये वाला शैम्पू दिया है, माइकोनॉम प्लस पेट। हाँ, और ये एंटी बैक्टीरियल और एंटी डैंड्रफ शैम्पू है, तो ये हम लेकर जा रहे हैं ताकि उसकी जो भी बॉडी में खुश्की है वो ख़त्म हो जाए। इसके साथ हम लोग घर वापस आ गए हैं, और ये गली के बच्चे, हमारे सारे नेबर्स, ये भागते हैं बिल्कुल लिटरली बब्जी को देखते। क्या रहा है ये, किसी ने हमारे घर के आगे क्या लगा दिया क्या?
हाँ जी बेटा बात कर रहे थे बच्चे से। हाँ बेटा लेडी ऑली घर पे है अभी, उसके ना वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, तो जब हो जाएगा तो हाँ शी इज फाइन। चलो थैंक यू फॉर आस्किंग बेटा। बब्जी के बारे में कोई नहीं पूछता लेकिन इन बच्चों को ये नहीं पता जब लेडी ऑली बड़ी हो जाएगी तो उसके बारे में भी कोई नहीं पूछेगा। तो गाइस डिनर टाइम चल रहा है और लेडी ऑली को मैंने दिया है रॉयल कैनन विद बॉइल्ड राइस, और ये आई थिंक गर्म होगा इसीलिए इतनी धीरे धीरे खा रही, नहीं तो अब तक ही खा चुकी होती। बेटा जो बाहर है ना उसको छोड़ के अंदर जो है उसको खाओ। क्या हो गया, ज्यादा खाना दिया नुमा ने? और डॉक्टर ने इसको अंडा भी अलाउ कर दिया दिन का एक बॉइल्ड एग, और ये सब इसको हम दे रहे हैं पागो वायरस की रिकवरी के एक हफ्ते की बाद की डाइट है ये, नहीं तो फर्स्ट थ्री डेज जो रिकवरी के बाद ड्रिप बंद होने के बाद डाइट थी वो थी दाल का पानी, मांड यानी कि स्टार्च वाटर, चावलों का पानी सिर्फ नॉट चावल। धीरे धीरे फिर मैंने अपने आप इसके बॉइल्ड राइस दही के साथ शुरू किए और फिर डॉक्टर की परमिशन से रॉयल कैनन स्टार्ट किया, और अब मैं कुछ भी कॉम्बिनेशन में करके देती हूँ, आप इसमें दही भी डाल सकते थे। क्या हो रहा है? मैं कह रही हूँ बब्सी को धमका दो फिर भी डरती है, ये नहीं किसी से डरती। वैसे अगर ये बाहर चली जाए ना तो हम ये खेलेंगे अच्छा। नहीं तो बब्बा जब ये बाहर थी तो बब्बा सोता कहाँ था, वैसे बब्बा सोता रहता है। अच्छा शिवाय कच्चा बादाम कर दूं तेरा, ये तभी उठेगा। उठ जा। टू थ्री स्टार्ट। जब तक अपने लैशेज लगी होती मुझे लगता है कपड़े पहने नहीं थे, आके नंगी नंगी करती। क्या लेके आई है मनी? ये तुझे रोकना पड़ेगा। She is very happy कि हम सब हैं यहाँ पे। चलो लंच पे। और यहाँ बब्जी बेचारा लेटा हुआ अपना। क्या हुआ बब्बू? रोटी बनाऊँ मम्मी का? हाँ मम्मा।